और क्षेत्र से गेंद के नीचे और सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए इस समय गेंद तो लगने वाला पहला चौका मनोज स्टार और टीम का स्कोर 5 रन। तो कैच भी पकड़ने होंगे, बाउंड्री भी बचानी होगी। तो फिलहाल चले गेंदबाज। बहुत सुंदर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है टीम कैप्टन दीक्षा के द्वारा, चाहे गेंदबाजी क्रम हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो या चाहे बल्लेबाजी हो, बहुत सुंदर। और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए, तो स्कोर 9 रन। तो ऐसे कैच छोड़ोगे, फील्डिंग मिस होगी तो 5 ओवर तक रहेगा ये मैच। और ऐसी गेंदें आएंगी तो संभवतः कप्तान की अपनी सोच मेरी समझ से परे, जो प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में सबसे आगे चल रहा था उसको बचा के क्या करेंगे आप। अतिरिक्त के साथ ब्रेक रन का इजाफा, आपके क्षेत्र में अच्छे गेम होते हैं उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। ऊपरी खाल में लेदर की गेंद से बहुत अच्छे हिमानी टूर एंड ट्रेवल्स होता वहां पे। और फिर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 14 रन। तो संभवतः 3 ओवर में मैच लगातार 3 चौके दीक्षा द्वारा, शानदार बल्लेबाजी, कैप्टन है खुद टीम की। तो 3 गेंद 3 विकेट भी लिए थे और हैट्रिक भी। तो आज सब कुछ दीक्षा के लिए, सब कुछ सही घटता हुआ दीक्षा के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दीक्षा आपके लिए, आपके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है क्रीड़ा समिति। फिलहाल रितिका और सीमा रेखा बोर्ड के बाहर, 6 रनों के लिए, तो 20 रन स्कोर बोर्ड पे। बहुत सुंदर बल्लेबाजी दीक्षा द्वारा, कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 6 ओवर हो गया, बहुत सुंदर बल्लेबाजी दीक्षा द्वारा। तो 1 ओवर की समाप्ति पे इस समय 20 रन स्कोर शीट पे, मात्र 33 रनों की और आवश्यकता। ऐसे ही रन बनते हैं तो सर तो बिल्कुल ऊंचा ही रहेगा, लेकिन ताज लेके जाएंगे आप ऊपरे खाल में तो खुश होके जाएंगे कि उस क्षेत्र से हम मैच जीत के आए हैं। तो अंजलि नहीं गेंदबाज, सामने करेगी इस समय बबीता। बढ़िया गेंद। तो इस समय सब कुछ सही घटता हुआ, इस समय जनता इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज उपरे खाल के लिए, सॉरी वाइड गेंद। तो 21 रन। तो आगे क्या कुछ घटता है अपने बड़े भाई सोहन भाई। बहुत सुंदर बल्लेबाजी दीक्षा द्वारा देखने को मिल रही है। तो महेंद्र सिंह रावत जी द्वारा अब सामने होंगी बबीता। इस छक्के पर 50 रुपए का नगद पुरस्कार महेंद्र सिंह जी द्वारा। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपने कैच नहीं छोड़ा है, मैच छोड़ दिया है। आप बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, छोटा सा रन अप और अतिरिक्त के साथ 1 रन का इजाफा। तो दीक्षा के बल्ले से जो छक्का निकला था उसके लिए श्री महेंद्र सिंह रावत जी द्वारा 50 रुपए का नगद पुरस्कार। और अगर ऊपर खाल ये फाइनल मुकाबला जीतती है तो 500 रुपए श्री महेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। बहुत बड़ी घोषणा उनके द्वारा, महेंद्र भाई द्वारा। 500 रुपए श्री पंकज गुसाई जी द्वारा जीत। तो स्कोर 26 रन, ओवर नंबर 2 चलता हुआ। तो इस समय सब कुछ सही घटता हुआ राजकीय उपरेखाल। अगर ये टूर्नामेंट जीतती है तो ग्राम प्रधान रजनी रावत जी द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार पारितोषित किया जाएगा। तो धकेला किसी भी तरह उसके नीचे, क्षेत्र रक्षा और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। अब स्कोर भी जापा 30 रन, मात्र 23 रनों की और आवश्यकता। बहुत सुंदर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है ऊपरी खाल के बल्लेबाजों द्वारा, चाहे वो बबीता हो या दीक्षा हो टीम कैप्टन। तो फिलहाल चली गेंदबाज अंजलि, धकेला किसी भी तरह गेंद को और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ, 1 रन से स्कोर 31 रन। तो 2 ओवरों की समाप्ति पे 31 रन। और आनंद सिंह रावत ऊपरी खाल जी द्वारा जीआईसी किनगोड़ी खाल की बालिकाओं के लिए 200 रुपए का नगद पुरस्कार। तो 2 पे मानसी 31 रन। तो अभी तो एम्पायर गेंदे भूले हैं, अगले साल से बड़े भाइयों को भी भूल जाएंगे। अभी तो सेहरा नहीं सजा, जब सेहरा सज जाता है तो सब चीज भूल जाते हैं। स्कोर अतिरिक्त के साथ 32 रन मानसी। सामने होंगी बबीता।
तो यही अतिरिक्त रन अब जीत की तरफ धीरे धीरे अगर खड़े भी रहेंगे तो मेरे ख्याल से 20 एक्स्ट्रा रन ऐसे ही चले जाएंगे। अब पूरा पलड़ा ऊपरे खाल की ओर, जीत का ताज नजदीक। तो धकेला किसी भी तरह गेंद को और बड़े अच्छे रक्षण वहां पे, तो इसी रन से स्कोर में ही जा पा 34 रन मात्र 19 रनों की और आवश्यकता। राजकीय इंटर कॉलेज ऊपरे खाल को ऊपरे देवी स्पोर्ट्स क्लब ऊपरे खाल और उसके नीचे क्षेत्र रक्षक अर्गेन सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए तो स्कोर जा पहुंचा 38 रन। तो यहां से मात्र अब 15 रनों की और आवश्यकता। ओवर नंबर 3 चलता हुआ, तो बढ़िया बल्लेबाजी इस समय कप्तान दीक्षा द्वारा। एक रन से टीम का स्कोर 39 रन। अब धीरे धीरे उभरे खाल अपने विजय द्वार की तरफ धीरे धीरे। क्योंकि जब पुरुष वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे क्राउड काफी रहेगा और तब देखा जाएगा कौन सी टीम किस में हावी होगी। बढ़िया गेंद इस बार, चार गेंद इस ओवर की समय, क्योंकि याद दिलानी पड़ रही है अंपायर साहब को। हाँ, उन्हें पता है इस बार कि बोलने वाले हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ। अब धीरे धीरे मैच ऊपरे खाल की झोली में जाता हुआ, अंतिम गेंद आने बाकी इस समय। तो फिलहाल चली गेंदबाज, लगे लगे भाग भाग। तो आवाज कभी खत्म किसी की नहीं होती, ये तो क्रिकेट चलता रहता है। थोड़ा सा दुख जरूर होता है हारने के बाद दूसरे मैच में, फिर वापसी। तो स्कोर इस समय 40 रन मात्र 13 रनों की और आवश्यकता। तो शुभकामनाएं ऊपरे खाल के लिए भी, इंटर कॉलेज के लिए भी। अपनी छोटी बहने कोई भतीजी होगी, मात्र शक्ति सभी का आदर करती है क्रीड़ा समिति। तो जय मां हवा देवी खेल महोत्सव में कल से यहाँ पे पुरुष वर्ग के मैच खेले जाएंगे, तो आपसे निवेदन कि अपनी प्राथमिकता जरूर दें, बड़े मुकाबले खेले जाते हैं। अंजलि गेंदबाज और बल्लेबाज इस समय बबीता, ओवर द विकेट गेंदबाजी क्रम, वाइड गेंद। तो स्कोर 41 रन मात्र 12 रनों की और आवश्यकता। और अब क्या कुछ घटता है अपने बड़े भाई आईसीसी द्वारा बिल्कुल नामित कमेंटेटर सोहन भाई। बहुत सुंदर कट गली क्षेत्र में, एक रन का इजाफा, 42 रन। अब सामने होंगी कैप्टन दीक्षा, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली उनके द्वारा। बड़े दूर क्षेत्र से टीम इस प्रांगण में पहुंची, इस ग्राउंड में। हल्का सा कट किया थर्ड मैन क्षेत्र में, जब तक कि गेंद फीड हो पाती है। आसानी के साथ 3 रन हैं, इन्हीं 3 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर 45 रन और कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक तरफा मैच ये फाइनल मुकाबला, जो उम्मीदें थी वो देखने को नहीं मिली। बहुत सुंदर गेंदबाजी, बहुत सुंदर चित्ररक्षण और बहुत सुंदर बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है ऊपरे खाल के छात्राओं द्वारा। 46 रन एक अतिरिक्त के साथ, अब मात्र यहां से 7 रन बाकी। और सुंदर छक्का ये बबीता के बल्ले से, एक रन चाहिए, अब मात्र एक रन यहां से विजय द्वार के लिए। अब ताज सस्ता हुआ ऊपरे खाल के सर पे, जीत गए और इसी एक रन के साथ शानदार जीत ऊपरे खाल की। दोनों टीमों के लिए इस मैच की मैन ऑफ द मैच है दीक्षा।